दोस्तों, दुनिया में हर टाइप के लोग हैं, अच्छे भी बुरे भी। इवन कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमारे सामने तो दोस्ती रिश्तों की कस्में खाते हैं और पीठ पीछे उसी दोस्त या रिश्तेदार की कब्र खोद रहे होते हैं। ऐसे में चाणक्य जी की नीतियाँ एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में हमारा सहयोग करती हैं जो हमें ऐसे लोगों से अलर्ट रहना भी सिखाती हैं और सही गलत की पहचान भी कराती हैं। तो आइए चाणक्य जी की कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में जानें। नंबर वन, मान लो कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वह आपसे अपने दूसरे दोस्तों की बुराई करता है, इवन जो बातें उन्होंने उस पर विश्वास कर बताई है वह भी आपको बता देता है, तो आप क्या समझोगे? आप सोचोगे मेरे इस दोस्त का उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा मेरे साथ बॉन्ड है, इसलिए यह हर बात मुझसे शेयर करता है। लेकिन ऐसे इंसान कभी फितरत नहीं बदलते। जैसा वह आपको अपने दूसरे दोस्तों के सीक्रेट्स बताता है, डेफिनेटली उन्हें भी आपकी सीक्रेट्स बताता होगा। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं, सावधान, अगर आपको सांप और दुष्ट मित्र में से किसी एक को चुनना हो तो सांप को चुनें, क्योंकि सांप आपको एक बार काटेगा और दुष्ट आदमी आपको बार बार काटेगा। यही है पहला लेसन, दुष्ट पर कभी भरोसा मत करो। नंबर टू, दूसरा लेसन, चाणक्य जी कहते हैं, ऐसे रिश्तेदार या दोस्त जो आपसे चिढ़ते हो या आपसे नाराज रहते हो, उन्हें अपनी लाइफ की हर सीक्रेट शेयर मत करो, क्योंकि वो आपकी इन सीक्रेट्स के जरिए आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, इवन आपके सक्सेस के रास्ते में रोड़ा अड़ा सकते हैं, तो उन्हें ऐसा मौका ही मत दीजिए। नंबर थ्री, चाणक्य जी अपनी लाइफ में हमेशा सीखते रहते थे। उनका सपना था अखंड भारत का निर्माण। इसके लिए वो सबसे पहले मगध के घनानंद के पास गए, लेकिन उसने उनका अपमान करके उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया। उस दिन चाणक्य जी ने कसम खाई थी कि वो नंद वंश को ख़त्म करके रहेंगे। घनानंद ने चाणक्य जी को कमज़ोर समझकर उन्हें जिंदा छोड़ दिया और चाणक्य जी ने चंद्रगुप्त जैसा सम्राट तैयार कर नंदवंश को मिट्टी में मिला दिया। चाणक्य जी कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कमज़ोर मत समझो। इसका मतलब ये नहीं कि आप ले तलवार और उसके पीछे दौड़ दिए। उनका मतलब था कि कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को छोटा समझकर उसे अपने पर हावी मत होने दो, बल्कि उन प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म कर दो, क्योंकि यही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कब बड़ी बन जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर फोर, चाणक्य जी कहते हैं कि अगर हमें अपने शत्रु को ख़त्म करना है तो सबसे पहले उसे अपना दोस्त बनाओ और उसकी कमजोरी के बारे में जानो। जब आप अपने शत्रु को अपना दोस्त बना लोगे तो उसके इनकम सोर्सेज का भी पता लगा लोगे और उन्हीं इनकम सोर्सेज के जरिए उसे तोड़ो। इसका मतलब यह है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझो, उसकी जड़ तक जाओ और फिर उसे उखाड़ फेंको, ना कि प्रॉब्लम आ गई और भाग खड़े हुए। नंबर फाइव, चाणक्य जी कहते हैं कि हर वक्त हर किसी से लड़कर आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे, बल्कि जल्द ही किसी स्ट्रॉन्ग के द्वारा ख़त्म कर दिए जाओगे। इसलिए आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दूसरे स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ अलायंसेस बनाओ। यही है फिफ्थ लेसन, बिल्ड अलायंसेस। तो दोस्तों, ये थी वो सीखें जो आज तक हमारे काम आ रही है। अगर आप भी चाणक्य जी की बातों से सहमत हैं और ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।